CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 1 के छात्रों के लिए कार्यक्रम जयपुर की सैर। आलेख मधुपंत का है और इसे प्रस्तुत कर रही हैं धृति चौधरी। बच्चों, एक थे टुन्नू भाई, गांव में रहते खाते दूध मलाई। एक दिन सोचा, क्यों ना जयपुर सैर करूं, क्यों ना जयपुर शहर चलूं। बस फिर क्या था, आते बाते दही चटा के, खाना खा के, पानी पी के, टुन्नू भाई शोर मचा के निकले करने सैर सपाटे। तो बच्चों, टुन्नू भाई सैर करने निकल पड़े। कहां से? अपने गांव से, हरे भरे खेतों से, शहर की ओर, जयपुर शहर की ओर। टुन्नू भाई ने टिकट खरीदा और फिर सोचा कि जब चिट्ठी एक जगह से दूसरी जगह भेजनी होती है तो टिकट चिपका देते हैं। जब मैं खुद ही जा रहा हूँ तो अपना टिकट भी चिपका लूं। ये सोचकर उन्होंने टिकट अपने माथे में चिपकाया। वे झटपट बैठे रेलगाड़ी में और चल पड़े जयपुर शहर की ओर। और आखिर में वो पहुंच गए जयपुर स्टेशन पर। टुन्नू भाई से स्टेशन पर टिकट चेकर ने पूछा, अरे भाई टिकट दिखाओ। ओ धानो ग्यो, ओ धानो ग्यो, धरती पे हिवड़े हसी कड़ी कड़ा। टिकट मांग रहा हूँ, गाना सुनाने के लिए नहीं कह रहा हूँ। टिकट मांग रहा हूँ, टिकट। अरे भाई, टिकट माथे पर तो चिपका है, देख क्यों नहीं लेते? वाह भाई वाह, अकलमंद, ये किसने बताया तुम्हें कि टिकट माथे पर चिपकेगा? क्यों, चिट्ठी के लिफाफे में ऊपर ही तो टिकट चिपकता है। बस मैंने भी टिकट माथे पर चिपका लिया। खैर, किसी तरह टुन्नू भाई स्टेशन से बाहर निकले। बाहर देखा, शोर शराबा, फिर भड़का, ठेलम ठेल, धक्कम धक्का। उन्हें एक रिक्शे वाला मिला। उससे बोले, तुम्हारा जयपुर शहर घूमने आया हूँ। आइए आइए, कहाँ कहाँ घूमिएगा? भाई, मैं तो पूरे जयपुर की सैर करने निकला हूँ, जयपुर की अच्छी अच्छी जगह दिखा दो। तो चलिए, पहले आपको ले चलता हूँ चंद्र महल। आटे बाटे दही चटाके, खाना खाके, पानी पीके, टुन्नू भाई शोर मचाके निकले करने सैर सपाटे। लीजिए, आ गया भाई आपका चंद्र महल। चंद्र महल? बाप रे बाप, इतना बड़ा, इतना ऊंचा, ये तो 7-7 मंजिलों की इमारत है। गांव में तो ऐसा क्या, इसके एक हिस्से जितनी भी कोई इमारत नहीं है। जरा अंदर चलकर तो देखूं। चंद्र महल,
चंद्र महल। यहाँ राजस्थान की कितनी सुंदर सुंदर चीजें रखी हुई हैं। अच्छा, ये अजायब घर। तभी यहाँ पर जयपुर शहर की पुरानी पुरानी चीजें संभाल कर रखी हुई हैं। इतनी सुंदर चीजें, वाह भाई वाह। चंद्र महल, तुम तो जितने पुराने हो उतने ही मजबूत भी हो और उतने ही सुंदर भी हो। आइए बाबूजी, आपको जंतर मंतर भी दिखा दूं, यही चंद्र महल के पास ही है। जंतर मंतर? बहुत बहुत समय पहले बनाया गया था ये जंतर मंतर। इस जंतर मंतर में एक घड़ी लगी है। घड़ी आज भी बिल्कुल ठीक ठीक समय बताती है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये घड़ी बिना चाबी दिए चलती है। वो कैसे? अरे वो ऐसे कि ये घड़ी धूप से समय बताती है। और फिर पाटे पाटे दही चटा के खाना खा के पानी पी के सुन्नू भाई शोर मचा के निकले करने सैर सपाटे। और टुन्नू भाई ने जंतर मंतर में खूब सैर की, धूप घड़ी भी देखी और फिर भूल भुलैया में बेचारा रास्ता ही भूल गया। अब तो वो घबरा गए, सोचने लगे क्या करूं, कहां से जाऊं, और लगे रोने। वो तो भला हुआ जो रिक्शा वाला उन्हें ढूंढता ढूंढता आ पहुंचा। अरे भाई क्या हो गया, मैं तो कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। रिक्शे वाले तुम? अरे मैं तो रास्ता ही भूल गया था। इस जंतर मंतर में तो बिल्कुल भूल भुलैया है। चलो चलो आओ, तुम्हें अब मैं हवा खिलाऊं, हवा महल की सैर कराऊं। हवा का महल? हवा तो दिखाई ही नहीं पड़ती, इसका महल कैसा? अरे हवा का महल नहीं बल्कि ऐसा महल जहाँ इतनी सारी खिड़कियाँ और झरोखे हैं कि अंदर हवा ही हवा है। काटे बाटे दही चटा के खाना खा के पानी पी के सुन्नू भाई शोर मचा के निकले करने सैर सपाटे। और इस तरह टुन्नू भाई आ पहुँचे हवा महल। हवा महल देखकर तो टुन्नू भाई सचमुच हैरान हो गए। इतनी सारी खिड़कियाँ, चारों ओर खिड़कियाँ ही खिड़कियाँ, ऊपर नीचे दाएं बाएं खिड़कियाँ और झरोखे, और इन खिड़कियों से तो सचमुच इतनी ठंडी हवा आ रही है, वाह भाई वाह। लेकिन इतनी खिड़कियाँ क्यों बनाई होंगी? ये खिड़कियाँ राज दरबार की औरतों के बाहर देखने के लिए बनाई गई थी। जब भी राजा की सवारी रास्ते से निकलती तो सभी औरतें खिड़कियों और झरोखों से देखा करती। हजारों औरतें इनमें से बाहर देख सकती थीं। ये तो कमाल की बात है। इस तरह बच्चों, टुन्नू भाई ने जयपुर शहर में क्या क्या देखा? उन्होंने चंद्र महल, जंतर मंतर, हवा महल, अरे 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 एक जगह तो टुन्नू भाई ने देखी ही नहीं, आमेर का किला। असल में शाम हो गई थी ना, उन्हें अपने गांव की हरे भरे खेतों की मीठी मीठी रोटी की याद सताने लगी। और काटे बाटे दही चटा के खाना खा के पानी पी के सुन्नू भाई
तो अपने घर चले गए, अब हम तुमसे कुछ बातें करते हैं। बात जयपुर की ही है। हम तुमसे पूछेंगे कुछ पहेलियां और पहेली सुनकर तुम बताना कि पहेली में जयपुर के किस जगह की बात कही गई है। पहली पहेली है, जरा ध्यान से सुनकर बताना। मैं जयपुर का बड़ा महल, सात मंजिल का बड़ा महल, नाम मेरा चंदा मामा पर, बोलो मेरा नाम सरल। एक बार फिर सुनो। मैं जयपुर का बड़ा महल, सात मंजिल का बड़ा महल, नाम मेरा चंदा मामा पर, बोलो मेरा नाम सरल। हाँ भाई, तुमने बिल्कुल ठीक पहचाना, ये था चंद्र महल। अच्छा भाई, दूसरी पहेली जरा गौर से सुनना। मुझ में कितनी भूल भुलैया, चाहो खेलो छुपन छुपैया, धूप घड़ी भी बनी हुई है, मैं भी जयपुर में हूँ भैया। एक बार फिर सुनो। मुझ में कितनी भूल भुलैया, चाहो खेलो छुपन छुपैया, धूप घड़ी भी बनी हुई है, मैं भी जयपुर में हूँ भैया। हाँ, नहीं बता पाए? अच्छा, तो पढ़ता हूँ मंत्र तंत्र, नाम है मेरा जंतर मंतर। अच्छा, अब अगली पहेली जरा ध्यान से सुनना। मुझ में ढेर सारी खिड़की, ऊपर नीचे खिड़की खिड़की, मधुमक्खी के छत्ते जैसी, चारों ओर खिड़की ही खिड़की, इन खिड़की से हवा बुलाता, कहो कहो मैं क्या कहलाता। एक बार फिर सुनोगे? मुझ में ढेर सारी हैं खिड़की, ऊपर नीचे खिड़की खिड़की, मधुमक्खी के छत्ते जैसी, चारों ओर खिड़की ही खिड़की, इन खिड़की से हवा बुलाता, कहो कहो मैं क्या कहलाता। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक पहचाना, मैं हूँ हवा महल। प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।